सो हाय गाइस, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अनग्रेजुएट गेमर। सो गाइस, कैसे हो आप? सलोपा सलोक बढ़िया होंगे एंड गाइस आगे ही बढ़िया रहे। सो गाइस, थैंक यू यार कल वाले प्रैंक में इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए। एंड गाइस, कल वाले प्रैंक में मैंने एक हिडन मैसेज दिया था एंड सेम गाइस इस प्रैंक में भी एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज है सभी लोगों के लिए। तो गाइस, मेन मोटिव ये है इस प्रैंक का कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गेम में टॉपअप नहीं कर पाते, जिनके पास अच्छी ड्रेस नहीं होती है, डायमंड नहीं होते, डीजे आलोक नहीं होता है, ठीक है। सो भाई लोग, उनमें से बहुत सारे प्लेयर की स्किल एक नंबर होती है, ओपी होती है, लेकिन फिर से वही बात आ जाती है, उन पर अच्छी ड्रेस नहीं होती, आलोक नहीं होता, तो उनके साथ बिहेव अच्छा नहीं होता है, उनको एज ए नूब माना जाता है गाइस। ओके, तो यार उन प्लेयर को भी पूरा अधिकार है गेम खेलने का। अगर आपके सामने भी कोई प्लेयर ऐसा आता है, आपसे आलोक मांगता है, अगर आप ना भी दो लेकिन उससे अच्छे से बात करो, इंसल्ट ना करो, ठीक है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उसके आलोक ना लेने का, टॉप अप नहीं करने का। ओके गाइस, तो यही छोटा सा मैसेज है वीडियो में, आपको बहुत ही ओपी लगने वाला है प्रैंक। तो यार सब्सक्राइब अभी से कर लो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आपको वीडियो अच्छी लगने ही वाली है। सब्सक्राइब गाइस अभी कर लो, वीडियो के नीचे रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है, उसको प्रेस करके लाइक कर दो एंड गाइस आगे का प्रैंक आप एंजॉय करो। आलोक दे दो, फिर से ग्लोबल चैट पे आलोक आलोक मांग रहा था, इसको आलोक दे दो, तुम्हारे पे तुम लोग पे तो डायमंड हो गए ना, मेरे पे अभी डायमंड नहीं है यार। इनके लिए थोड़े डायमंड रखे हैं, इतने लोग आते हैं लोग मांगते, सबको देते फिरेंगे क्या? अरे क्या हो गया, 500 डायमंड की तो बात है, आराम से दे दो ना, तुम लोग के लिए कौन सी बड़ी बात है। इतने लोग आते हैं पता है, इतने लोग मांगते हैं, डीजे लोग सबको दे दे क्या, इनके लिए थोड़े टॉपअप करते हम। अरे अरे अच्छा एक काम करो शिजू, तुम्हारे पे है ना डायमंड, तुम्हारे पे भी तो होंगे, तुम दे दो। हाँ तो मेरे पास डायमंड है, तो इस गरीब के लिए थोड़ी ना मेरे पास डायमंड है जो मैं उसको दूंगी। खेलना आता नहीं आलोक का क्या करेगी? कह रहा है मैं गुड प्लेयर, भाई नूबड़े हो तुम, ठीक है आलोक दिख रहा है सामने आ गए हो, आउटफिट से दिख रहा है वो, कैसा है नूब कहेगा, पता चल रहा है नूबड़ा है, अद्दे तुम भी लोग अगर जब कर रहे हो ना, उसका उसका आउटफिट बता रहा है वो कितना बड़ा नूब है। वही तो टॉप अप नहीं कर सकता, 11 साल का है देखो ना, इसलिए इसलिए। हाँ तो क्या करेगा डीजे आलोक का भाई, मत ले, और क्या कह सकते हैं हम, वही तो पढ़ाई वढ़ाई करो, गेम क्यों खेल रहे हो? अरे इसके स्टैट्स थोड़े ठीक से लग रहे हैं, आलोक मिल जाएगा तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, दे दो ना। एक काम करो ना, एक काम करते हैं इसके साथ ही खेल लेते हैं, अगर अच्छा खेलता है तो फिर दे देना, ठीक है, इसके लिए भी सही रहेगा। हम नूबड़ों के साथ नहीं खेलते हैं, ठीक है, फालतू में कस्टम कार्ड भी वेस्ट होगा तुम्हारा, छोड़ो ना, ले हार गए बेचारे को जीरे से। अरे एक काम करते हैं ठीक है, मेरा कस्टम, मैं अपना कस्टम लगा देता हूँ, ठीक है, तुम लोग खेल लो आपस में, ये अकेला तुम दोनों, ठीक है। वैसे आनी है बेचारे को, तो हरा देंगे शिजू, चलो ठीक है, अगर हरा दिया ना तो फिर तुम लोग इसको दे देना आलोक, ओके। हाँ कौन देंगे, पहले जीते तो सही, उन्होंने तो है बेचारा बॉट कितना बड़ा वाला बॉट। सो भाई लोग, अभी हम आ चुके हैं कस्टम रूम में एंड विदाउट आलोक खेल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैंने प्रैंक में आलोक मांगा है, तो मेरे को आलोक के बिना खेल के दिखाना होगा, क्योंकि यार बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जिनके पास आलोक नहीं होता है, वो इन करेक्टर से खेलते हैं हयातो वगैरह से, लेकिन उनकी स्किल एक नंबर होती है। तो भाई लोग KLA का मुक्का लेके आया हूँ, बेइज्जती करके मारूंगा, पहला मैंने मार दिया है, ठीक है, पिछले प्रैंक में मैंने KLA के मुक्के से मारे थे, इसमें भी मारूंगा। ओके गाइस, तो मैंने एक लड़की गिरा दी है उनकी, ठीक, इसी किलो उठा लेते जल्दी से, मेरे पे है डेजर्ट ईगल, ओके AN-94 है उस पे गाइस, तो मेरे को थोड़ा देख के बच के रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पे हेलमेट नहीं है, 198 का हेड पड़ता है गाइस। ओके तो नहीं लगा उसके हेड, उसकी भी HP वैसे काफ़ी कम होगी, तो गाइस हम रश करते हैं थोड़ा सा, थोड़ा रश करके तो दिखाना पड़ेगा भाई अपनी स्किल दिखानी, विदाउट आलोक भी खेल सकते हैं भाई, विदाउट आलोक प्लेयर भी काफ़ी OP हो सकते हैं। आप में से ही बहुत सारे प्लेयर होंगे गाइस जिन पे आलोक अभी तक नहीं होगा, लेकिन वो एक नंबर होंगे, ठीक है गाइस। तो भाई लोग हम दूसरे राउंड में आ चुके हैं, MP5 लेके एंड AN-94 लेके, ओके बहुत ही तगड़ा हेड पड़ा भाई, एक नंबर हेड पड़ा है, ठीक है, एक नंबर हेड लगा है। तो गाइस अभी हम एक प्लेयर बचा है उनका, ग्लोवर लगा लेते हैं जल्दी से। ओके गाइस, मेरे को इनमें यार MP5 से खेलने में ज़्यादा बढ़िया लगता है जब दो प्लेयर होते हैं, जब एक बचता है तो भाई कट्टा, जैसे मैंने अभी उठा लिया है कट्टा गाइस। तो गाइस एक लड़की बची है मेरे हाथ में, कट्टा है, ड्रैग नहीं लगा, ग्लूवर लगा लेते हैं जल्दी से। ओके बहुत हार्ड, तो गाइस क्या मैं इस वाले राउंड उसको मार पाऊंगा, क्या मैं अपने भाइयों की इज्जत बचा पाऊंगा, रख पाऊंगा, विदाउट आलोक वाले भाइयों की क्या मैं इज्जत रख पाऊंगा गाइस, तो देखते हैं भाई लोग। मैं लेके चला
कट्टा लेके चला और हेडशॉट गाइस, भाई साहब क्या हेड मारा है गाइस, क्या हेड मारा है, एक नंबर हेड। तो गाइस 2-0 से हम आगे आ चुके हैं। और गाइस आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, किसी आपके दोस्त ने आपको ऐसा दिखाया होगा, ठीक है, या किसी ने भी, ओके, किसी भी मोड पे हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना। ओके, मेरे से यार पता ही है, मेरे से आलोक मांगते रहते, तो यार मैं चाहे साफ मना कर देता हूँ, ओके, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कभी इंसल्ट वगैरह नहीं करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे रीज़न होते हैं यार ना टॉपअप करने का। ओके, मैं भी कुछ महीनों पहले तक टॉपअप नहीं करता था गाइस। ओके, तो यार कोई छोटा एज का होता है या किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो सभी प्लेयर का, जितने भी अमीर लोग होते हैं जो बैजेस खरीदते हैं, उनको नीचे वाले प्लेयर से काफ़ी अच्छे से बात करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ओके, सभी का गाइस समान अधिकार है गेम खेलने का। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक लड़की डाउन कर दी है। थोड़ी भाषणबाजी बंद करते हैं हम एंड गेम पे आते हैं, हमको हराना है, ठीक है, इज्जत रखनी है अपनी हमको। भाई नीचे कर गया लोल, तो अभी हमको पूरा घूम के जाना पड़ेगा। भाई एक तो ये ड्रेस काफ़ी ओपी लग रही है भाई, मतलब हल्का ढीला ढीला सा लग रहा है मेरे को खेलने में। और गाइस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई लोग सब्सक्राइब याद से कर लेना, ओके, आपको वीडियो काफ़ी बढ़िया लगी होगी, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है उसको प्रेस करके, एंड लाइक भी कर देना गाइस। एंड गाइस नेक्स्ट वाले प्रैंक का मेरे को आप आइडिया देना, किस तरह का, मतलब किस बेसिस पर प्रैंक करूँ, ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में याद से मेरे को बताना, एंड अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देना गाइस, ज़रूरी है भाई लोग, ठीक है। एंड अभी एक लड़की, ओके, भाई साहब मेरे को डैमेज पड़ गया, 100 का डैमेज पड़ गया भाई, मेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हील करते, मैंने उसको भी एक शॉट मारा, मेरे को भी पड़ा है गाइस। ओके, तो हील करते हैं गाइस, देखते क्या मैं इस वाले राउंड को जीत पाऊंगा। काफ़ी लंबा राउंड चला है भाई, ये काफ़ी लंबा पड़ गया भाई, लास्ट पॉइंट पे आ गया राउंड, फिर से मेरे को डैमेज दी गई भाई साहब। ये लड़की वैसे काफ़ी ओपी खेल रही है ना। तो गाइस मेरे शॉट कनेक्ट नहीं हो रहे हैं और मेरी एचपी भी कम है, तो मेडिकेट लेनी पड़ेगी मेरे को गाइस, एंड ग्लूवर लगा के आगे भी जाना पड़ेगा। ओके, ग्लूवर लगाते हैं भाई लोग, ठीक है, क्या मैं इस राउंड को जीत पाऊंगा गाइस। और गाइस मैं आप लोगों को भी एक बात बताता हूँ, जिन पे आलोक नहीं है यार, आप विदाउट आलोक भी बहुत अच्छा खेल सकते हो। पहले हम ये वाला राउंड खत्म करते हैं, जीतते हैं, क्या हम जीत पाएंगे। ओके, मैंने मार दिया है। ओके गाइस, तो 3-0 हो चुका है। तो गाइस मेरी फ्रेंड लिस्ट में मेरे सब्सक्राइबर है जिनको मैंने उनकी स्किल देख के ऐड किया है। ओके, उन पे आलोक नहीं है, हयातों से खेलता है, कोई मिगुल से खेलता है, लेकिन उनकी स्किल एक नंबर है, एंड मैं हमेशा ऐसे प्लेयर्स को सपोर्ट करता हूँ गाइस। ओके, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आप पे आलोक नहीं है तो यार वो सोचने वाली बात है कि आप पे आलोक नहीं है, आप नहीं खेल पाओगे, बट आप बिना आलोक के भी एक नंबर खेल सकते हो। ओके ओके गाइस, तो यार उसको आप दिमाग में से निकाल दो कि आप पे आलोक नहीं है तो आप नहीं खेल पाओगे, आप इस तरह से मेरे जैसे हेडशॉट मार सकते हो, देख रहे हो दोनों प्लेयर के, क्या ही मैंने ओपी वाले हेड देके राउंड जीता वो वाला, दोनों प्लेयर का, एक शॉटगन से मारा, एक MP5 से मारा। ओके गाइस, तो 4-0 से हम आगे हो गए, एक लड़की हमारे लेफ्ट से आ रही है, तो हमको इसको देखना पड़ेगा। भाई साहब हेड पड़ता मेरे यहाँ पे, अभी बच गया मैं। ओके गाइस, तो हम यहाँ पे मारते हैं, नहीं लगा। ओके, तो गाइस हीरोइक प्लेयर से और मैं हूँ गोल्ड पे। ओके, रैंक पुशिंग की भी गाइस ऐसा ही कुछ सीन है, बहुत सारे रीज़न होते हैं रैंक पुश नहीं करने का, ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, एग्जाम्स हो सकते हैं, तो आप रैंक से भी किसी की स्किल को जज ना करें, जिस तरह से आप मेरी नहीं करें, ठीक है। मैं भी गोल्ड पे ही पढ़ाऊंगा भी। ओके, मैंने भाई पुश ही नहीं किया यार, टाइम मिला ही नहीं, टूर्नामेंट के बीच में, वीडियोज़ के बीच में। ओके गाइस, एंड आपको प्रैंक काफ़ी बढ़िया लग रहा होगा, अभी तक वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना गाइस, एंड नेक्स्ट वाला आपको आइडिया देना ही है, आपको कुछ नहीं करना, इतू सा काम करना है आपको, रेड कलर के बटन को प्रेस करके। भाई साहब क्या हेड मारा है भाई, क्या हेड लगाए गाइस, क्या हेड लगाए, MP5 क्या ही गन है। सो भाई लोग यार काफ़ी सही जाता हुआ अभी तक हमारा ये कस्टम रूम, एंड एक लड़की बची है, क्या हम इनको मार पाएंगे। एक तो मैंने डाउन किया हुआ है गाइस, तो हेडशॉट गाइस, तो भाई लोग काफ़ी ओपी वाले भाई, हेड ही हेड पड़ रहे हैं गाइस, आप नोटिस कर रहे हो, ठीक है, हेड ही हेड पड़ रहे हैं गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम 6th वाले राउंड में आ चुके हैं, एंड ये वाला भी राउंड हमको जीतना पड़ेगा। एंड सनम भाई काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते भाई, इस बार हमने ऐसा दिखाया कि भाई मैं वर्ल्ड चैट में से आया हूँ, ठीक है, मैं वर्ल्ड चैट में से आया हूँ, क्योंकि वर्ल्ड चैट में आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे यार आलोक मांगते, भाई मेरे को आलोक दे दो, आलोक दे दो, आलोक दे दो, ठीक है, तो हमने ऐसा ही कुछ परफॉर्म किया इसमें, ठीक है गाइस। तो यार इस बार दोनों प्लेयर काफ़ी सही खेलते हुए, बिल्कुल पीक नहीं दे रहे, तो मैं डाउन कैसे करूँ इनको। ओके, एक लड़की नीचे डाउन हुई है, मतलब नीचे गिरी है, नीचे कूदी है, भाई साहब बिल्कुल सही था, मैं नीचे से आई, बिल्कुल मेरे को पता लग गया था, इसीलिए मैं पीछे आ गया गाइस। ओके, एक सामने से आती हुई गाइस, एंड हेडशॉट, भाई मेरी HP 30 HP बची है रे, मेरे को दुबकना पड़ेगा। ओके, उसको रिवाइव होने, तो वो रिवाइव हो रही है, बट कोई नहीं, मेरे को अभी अपने को हील करना है, उसको पता नहीं मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ, एंड हेडशॉट गाइस, भाई पहले ही बोल दिया मैंने, ठीक है,
इतना पीक नहीं दो, इतने खुले में नहीं घूमो मेरे सामने भाई, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा गाइस एक प्लेयर मैंने मार दिया उनका, एंड एक राउंड और जीतना है मेरे को इस कस्टम को, मैं जीत जाऊंगा, चैलेंज को जीत जाऊंगा। एंड देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है गाइस, क्या उनका ओपी वाला रिएक्शन होता है। और आप सब्सक्राइब कर लेना यहाँ से गाइस अगर आपने अभी तक नहीं किया है, गेम प्ले तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब यहाँ से कर लेना। इतू सा काम करना है आपको, उसको घंटे को ऑन कर लेना सब्सक्राइब करके, एंड हमारे यूजी एम्पायर फैमिली का मेंबर बन जाना है, ओके। तो गाइस ध्यान से कर लेना, इस कस्टम को मैं बहुत ही ओपी तरीके से हेड मार के जीत चुका हूँ, एंड मैंने सभी अपने भाइयों की इज्जत बचाई है, ओके, दो हीरोइक वाले प्लेयर्स को हरा के। तो गाइस चलिए देखने चलते हैं रिएक्शन क्या होता है उन प्लेयर्स का। ओ, कौन सी स्किप लगाई थी तुमने? हाँ 11 साल के होके स्किप लगाते, शर्म नहीं आती? अरे अरे रे हैकर नहीं है ये। अरे यार ऐसे थोड़ी ना हेड लगता है किसी का। अरे मैं मैच देखा, अरे मैं पूरा मैच देखा, पूरे एकदम स्किल थे, पूरे एकदम अच्छे अच्छे ओपी वाले शॉट्स मारे इसने यार। अरे हैकर है यार, ऐसे थोड़ी ना हेड लगता है, सीधा हेड तो हैकर नहीं है, नहीं मानती, प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है ये। अरे मैं जानता हूँ इसको यार, हैकर नहीं है ये। काम करो, तुम लोग हार गए हो भाई, अब डायमंड दे दो आराम से, ठीक है। ऐसे कैसे दे दें हम डायमंड? करेगा हैकर है वो, हम ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। अरे हैकर नहीं है ये, मेरे को पता है, मैं जानता हूँ इसको। ऐसे ड्रेस वेस में जज मत किया करो किसी को। तो भी हम नहीं दे रहे कुछ, छोड़ो, ठीक है वो सब ठीक है, लेकिन मैं दे दे रहा हूँ इसको, मैं दे दूंगा, लेकिन ऐसे ड्रेस वैसे किसी को जज मत किया करो। देखो कितना अच्छा खेला इसने, तो अकेले था, दो लोगों को मारा इसने। सो भाई लोग जैसा कि सनम भाई ने लास्ट में बोला, किसी प्लेयर को उसकी ड्रेस से या आलोक ना होने से जज ना करो, ठीक है, सभी से अच्छे से बिहेव करो, बहुत सारे रीजंस हो सकते यार, तो सभी से अच्छे से रहो, अच्छे से बिहेव करो, एंड अगर नहीं दे सकते हो आलोक तो इंसल्ट भी ना करो गाइस, ओके। एंड मेरे को आलोक नहीं मिला क्योंकि मेरे पे पहले से आलोक था, क्योंकि ये एक प्रैंक था, मैंने ऐसा दिखाया कि मेरे पे आलोक नहीं है जबकि मेरे पे सब कुछ था गाइस। सो भाई लोग अभी आपको क्या करना है, बहुत ही छोटा सा काम है, आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का ऑप्शन दिखना है, उसको प्रेस करना है, एंड अपना सपोर्ट दिखाना है, मतलब आपको सब्सक्राइब करना है गाइस, इतू सा काम है, सब्सक्राइब लाइक गाइस, ओके। जब आप सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा आगे, ठीक है गाइस। तो आप शेयर भी कर देना, बहुत ओपी वाला मैसेज था वीडियो में, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।